निरंजन अलख निरंजन जय बाबा गुरु गोरखनाथ जय बाबा गुरु गोरखनाथ। मैं बाबा गुरु गोरखनाथ हूँ अति क्रोधी बाबा गुरु गोरखनाथ। उत्तरी छोर पर मैं गोरखपुर शहर के एक घनघोर घमासान जंगल में रहता हूँ। कुटी बना करके मेरा काम है नित्य दिन सारे जानवरों का भरण पोषण करना। सबसे प्यारा मेरा जानवर 700 मृग नैनी में एक ही मिर्गा है जो जंगल में दिन रात सुबह शाम मेरे चरणों में घूमते रहता था। लेकिन सुबह से शाम ढलने चली ना तो कोई जानवर मेरे चरणों में अब तक आया है ना ही अभी मैं 700 मृग नैनी में भी एक मिर्गा को भी देख रहा हूँ। ये क्या आप सगुन की बातें सोच सोच करके मैं घबरा रहा हूँ कि सुबह से एक भी जानवर मेरे पास क्यों नहीं आया है। इसलिए कि मैं जानवरों के बिना हमेशा उदास रहता हूँ। जंगल में चारों तरफ दिन रात जानवर घूमते रहता था लेकिन आज क्या हो गया सुबह से शाम तक में एक भी जानवर नहीं आया है। इसलिए मैं आज धुनी रमाऊंगा आपने कुटी पर ध्यान अभ्यास करूंगा। ध्यान में देखूंगा कि आखिर सारे जानवरों को क्या मुसीबत कर गया है क्यों नहीं आया है। अब मैं धुनी रमा रहा हूँ अलखा जगा भाई हो बाबा दुनिया हेलो चेक चेक हेलो शिखाता न जाने 700 मृग नैनी के कहने के अनुसार में
आज गोरखपुर शहर में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि गुरुदेव का कुटी कहाँ है। ये कि गुरुदेव बैठे हुए हैं, अगर मैं इन्हें ध्यान मुद्रा से जगा करके पूछूं तो ये गुरुदेव मुझे बता सकते हैं। आहो का सुना माहो जोड़ी तुम कौन हो? आज मैं ध्यानाभ्यास में बैठा था और इस वक्त मेरे भक्ति में विघ्न डालने वाले दुश्मन चंडाल, बताओ तुम कौन है? श्री गुरुदेव, मेरा नाम राजा गोपी चंद्र है, नगर गुजरात को मेरा घर है। गुरुदेव, मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। जंगल में एक मिर्गा को मैं बाण का शिकार बना लिया। मैं इस बात को नहीं जानता था कि वह मिर्गा 700 मिर्गिनेनी में एक ही मिर्गा था। 700 मिर्गिनेनी ने मुझे श्राप दे दी, लाख गिरगिराया तो उन्होंने बताया अगर श्राप से मुक्ति चाहता है तो गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जा। हे गुरुदेव, आपको मैं ध्यान मुद्रा से जगाया हूं, मुझे गुरु गोरखनाथ का पता बता दीजिए। ध्यान से सुनो, मैं ही बाबा गुरु गोरखनाथ हूँ और अति क्रोधी कहलाता हूँ। मेरा ही नाम गुरु गोरखनाथ है। आहो विपत्ति मां ये ले आओ तू